और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर लखनऊ में माहौल गर्म दिखाई दे रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पार्टी मुख्यालय पर मौजूद हैं। नजदीकी मुकाबले वाली सीटों को खुद अखिलेश यादव यहां बैठकर मॉनिटर कर रहे हैं। कई जिलों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भेजा गया है और हालातों को काबू करने का निर्देश दिया गया है। खासकर कन्नौज, मैनपुरी, एटा, आजमगढ़ को लेकर नजर बनाई गई है। स्थानीय नेताओं को प्रशासन के सामने ना झुकने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी नेताओं की हर गतिविधि की शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंचाने की बात कही गई है। सपा के सबसे ज्यादा सदस्य जीते हैं, लेकिन अध्यक्ष की सीट पर बीजेपी का दावा मजबूत दिखाई दे रहा है और इसी के चलते अब अखिलेश यादव ने कमान संभाली है। अखिलेश यादव लखनऊ में मौजूद हैं, पार्टी मुख्यालय पर हैं और वहां पर नजदीकी मुकाबले वाली सीटों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तमाम जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं और सख्त लहजे में कहा गया है कि स्थानीय प्रशासन के सामने नेताओं को झुकना नहीं है, अपनी बात मनवा के रहनी है। इसके अलावा मैनपुरी, कन्नौज, एटा और आजमगढ़ को लेकर खास नजरें गड़ाई गई हैं, क्योंकि यहां पर पार्टी को हर हाल में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा करना है और इसी के चलते नेताओं को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ में माहौल गर्म दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव खुद समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं और नजदीकी मुकाबले वाली सीटों को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं।